नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूपी डीएलएड एडमिशन पूर्व प्रचलित नाम बीटीसी 2022 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2022 फॉर्म का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और उसके बारे में किस प्रकार से फिल करना है विदाउट मिस्टेक। सिंपली यहाँ पर क्लिक है, रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होता है और यहाँ टिक करते हुए आपको जो है पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक कर देना होता है। यहाँ पर अब आपको अपना नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम मोहन है तो यहाँ मोहन कुमार डाल देंगे। उसके बाद अपने पिता का नाम हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार और मदरस नेम हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार डेट ऑफ बर्थ को यहाँ फिल करना होता है। सही सही डेट ऑफ बर्थ को फिल करना होता है। कैटेगरी चूज कर लेंगे यहाँ से और उसके बाद सब कैटेगरी, यदि इसमें से कोई है तो टिक करेंगे और नहीं है तो एन ए कर देंगे। यहाँ जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, एक्टिव ईमेल आईडी डालना है जिस पर ओटीपी मैसेज आ सके। मोबाइल नंबर 63 सीरीज से जो स्टार्ट है वो ना लगाएं। काउंसलिंग के टाइम पासवर्ड फॉरवर्ड करने में समस्या आती है, इनवैलिड मोबाइल नंबर बोलता है, ऐसा पिछली बार हुआ था। तो आप 63 सीरीज को छोड़कर कोई दूसरा मोबाइल नंबर लगाएँ। अब यहाँ पर आप जो है आपको ग्रेजुएशन की डिटेल जिस भी यूनिवर्सिटी से सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर अपना कॉलेज नेम, जो भी आपका कॉलेज नेम है, फॉर्म को कैपिटल लेटर में ही फिल करें। जो भी कॉलेज का नाम है आप यहाँ पर फिल कर देंगे यहाँ, ठीक है। और यहाँ पासिंग ईयर, रोल नंबर, पास आपने कब किया था वो यहाँ पासिंग ईयर डालेंगे, रोल नंबर फिल करेंगे, मार्कशीट सीरियल नंबर, जी हाँ रोल नंबर अलग है, मार्कशीट सीरियल नंबर अलग होता है, वो यहाँ फिल करें, ठीक है। इसमें कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। टोटल मार्क्स आपका कितना है ग्रेजुएशन में वो यहाँ फिल कर लेना है आपको, ठीक है। याद रहे ग्रेजुएशन में 50% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी के लिए जो है 45% ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य है। और इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अभी कुछ एक दो घंटे पहले, बीएड डीएलएड का एलिजिबिलिटी और जात निवास और संशोधन है कि नहीं है, इस प्रकार की वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसे आप देख सकते हैं, उससे काफ़ी कुछ जानकारी आपको हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ तक डिटेल फिल कर ली है, अब हमको जो है यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेना होता है। जी हाँ, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक प्रीव्यू ओपन हो जाता है, उस प्रीव्यू को आप अच्छे से चेक करेंगे, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन को फाइनली सबमिट करते हैं। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू को कुछ हाइड किया गया सिक्योरिटी रीजन से, बट आप जो यूज़ करेंगे फोटो सिग्नेचर डिटेल्स और ओरिजिनल ही यूज़ करेंगे। वीडियो डेमो होता है जिसके माध्यम से हम सीख सकते हैं फॉर्म को किस प्रकार ऑनलाइन करना होता है, ठीक है। तो आप अपना ओरिजिनल डिटेल ही सब कुछ प्रयोग करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूरा प्रयास किया जाएगा आपकी हेल्प की जाए। तो यहाँ प्रीव्यू को अच्छे से चेक कर लेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा अच्छे से चेक करने के बाद जो फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। क्योंकि संशोधन नहीं है इसलिए प्रीव्यू को अच्छे से चेक करें, बार बार इसलिए कह रहा हूँ, कोई समस्या आगे आपको ना हो, ठीक है। फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन आपके ईमेल और मोबाइल पर विद ओटीपी के पहुँचता है। फाइनल सबमिट करते ही आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर्ड यूपी डीएल 2022, प्लीज योर रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन डिटेल, ईमेल आईडी फॉर नेक्स्ट स्टेप। जी हाँ, मोबाइल और ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन और ओटीपी को देखें और नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करें। अब आपको यहाँ पर क्लिक प्रोसीड करना होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक प्रोसीड हमने कर दिया। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हुए आपको जो है कैप्चा फिल करना है, लॉग इन बटन पर आपको क्लिक करना होता है। इस प्रकार यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया गया है और डेट ऑफ बर्थ डालकर और कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपके सामने पे फीस, जी हाँ, स्टेप टू में जो है आपको पे फीस करनी होगी और फीस पेमेंट करने के बाद जो है आपको स्टेप थर्ड फिल करना होता है। तो पे बटन पर हमें क्लिक करना होता है, फीस पेमेंट करनी होती है। तो पे फीस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट एक्शन देख रहे हैं, सिलेक्ट सिलेक्ट बटन पर क्लिक करना होता है, ठीक है।
मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ, सेलेक्ट करने पर आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, पेमेंट आपकी अपडेट नहीं होती है, तो आप दोबारा से सेम यही प्रोसेस आपको करना है और सेलेक्ट बटन पर दोबारा से फिर फिल करना होता है और ऑटो फीस जो आपकी अपडेट सक्सेसफुली हो जाती है। इस प्रकार पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं SBI MOPS को सिलेक्ट करना होता है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं पेमेंट गेटवे का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं नेट बैंकिंग है, अदर नेट बैंकिंग है, स्टेट डेबिट कार्ड है, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेफ्ट, SBI ब्रांच, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली आप जो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से करें तो ज़्यादा आसान रहेगा। डेबिट कार्ड बैंक पर क्लिक करना होता है, यहाँ जो आपको अपना ATM कार्ड नंबर है, एक्सपायरी डेट है और इधर आपको कार्ड होल्डर नेम, CVV नंबर, कैप्चा फिल करते हुए पे बटन पर क्लिक करना है। जैसे पे करते हैं तो आपके फ़ोन पर OTP आता है और फीस डिडक्ट हो जाती है। फीस डिडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो में बताया था, दोबारा से रीप्रोसेस वही करेंगे और एक्शन के नीचे सेलेक्ट बटन होता है उस पर क्लिक करते हैं, फीस ऑटो सक्सेसफुली हो जाती है। तो अब जानते हैं सेकेंड स्टेप को कैसे करना होता है। इस प्रकार फीस अपडेट नहीं हुई तो पे बटन में फिर पे फीस पर क्लिक करेंगे और एक्शन नीचे सेलेक्ट बटन होता है उस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, तो फीस आपकी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है और यहाँ पर जो है एक ग्रीन बटन जो है हाईलाइट हो जाता है, राइट का टिक लग गया जाता है, आपकी फीस सेकेंड स्टेप कम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, स्टेप थ्री, देखिए इस समय जो है डिटेल किसी कैंडिडेट की उपलब्ध नहीं है, तो जिससे कि मैं आपको स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव बता सकूँ, बट जो बता रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिल रजिस्ट्रेशन पार्ट थर्ड, जैसे ही फीस स्टेप टू कंप्लीट होता है तो स्टेप थ्री को जो है आपको हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन डेटा फिल करें, जो कि फिलेट करने का सबमिट करते हैं। उसके बाद आपको जो है ID प्रूफ और एड्रेस फिल करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। जैसे ही फोटो सिग्नेचर अपलोड होते हैं तो आपका फाइनली सबमिट फॉर्म हो जाता है। और आपको बता दूं यहाँ पे भी ग्रीन बटन हो जाता है, स्टेप थ्री पे भी ग्रीन बटन हो जाता है, स्टेप फोर पे भी ग्रीन बटन हो जाता है और स्टेप फाइव पे भी ग्रीन बटन हो जाता है। जैसे ही नेक्स्ट डिटेल हमको मिलती है तो मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कि स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव को जो स्टेप हैं वो कैसे होते हैं, बट जो बता रहा हूँ प्रोसेस वही है सेम। फीस डिडक्ट होगी, ग्रीन बटन यहाँ पे हो जाएगा, स्टेप थ्री में हाई स्कूल इंटर डिटेल फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको अपना ID प्रूफ और एड्रेस फिल करना होता है। उसके बाद स्टेप फोर में आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर करने होते हैं, सिग्नेचर जो है 2 से 10 KB के बीच में रहने वाले हैं, 4 to 20 KB तक की रहने वाली होती है। 200 DPI पे स्कैन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजर क्रॉप करते हैं और फोटो साइज बन जाता है। यदि साइज ज़्यादा हो रहा है तो पेंट का प्रयोग करेंगे, पेंट PAINT पेंट, पेंट एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसे यूज़ करेंगे और क्रॉप करेंगे, फोटो सिग्नेचर अपने आप ऑटोमेटिक साइज में सेट हो जाते हैं। कोई समस्या आ रही है आप तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। वीडियो देखने का सभी धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार।